Hello friends, welcome back to my YouTube channel Queen of Wands Tarot Reading 369 Universe Calling. So आज हम बात करेंगे उस सिचुएशन में जिसमें आप अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाना चाहते हैं. सिचुएशन यह है कि आप अभी किसी घर में रह रहे हैं और किसी कारण की वजह से आप वो घर छोड़ना चाहते हैं. कारण कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि आपको उस घर में उतना फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है जब से आप उस घर में आए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उस घर में आपने कुछ ऐसी नेगेटिव एंटिटीज को फील किया है कि आप अब उस घर में नहीं रहना चाहते और आप एक नए घर में जाना चाहते हैं, या फिर आपको एक नया घर, सुंदर घर आपने खुद खरीदा है अपनी मेहनत से और अब आपका सपना है कि आप उस घर में जाएं. तो हम ये जानेंगे कि क्या उस नए घर में जाना आपके लिए शुभ रहेगा या नहीं. तो उसके लिए आपको मैं ऑप्शन देती हूँ. मेरे पास ये एक रुद्राक्ष है और एक कॉइन है, आप सिलेक्ट कर लीजिए. दोनों ही शुभ हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये अशुभ है और ऐसा है. कॉइन मतलब लक्ष्मी माता है और रुद्राक्ष मतलब भोले बाबा है. ठीक है, तो चलिए हम पहले कॉइन जो हमने लिया है यानी कि जो लक्ष्मी का प्रतीक है हम उनके बारे में जानते हैं. तो अब हम ये जानेंगे कि आप जिस नए घर में जा रहे हैं वो आपके लिए कैसा रहेगा. ठीक है, ये पिकअप कार्ड रीडिंग है और प्लीज टेल मी हाउ विल बी द न्यू हाउस फॉर द पीपल हु हैव सिलेक्टेड द कॉइन. प्लीज टेल मी हाउ विल बी द न्यू हाउस फॉर देम. वाओ, लवली कार्ड. ओके, वन फाइनल कार्ड, दैट्स इट. तो ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि आप घर छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो वाकई में आप अपना घर छोड़ के जा ही रहे हैं. ये देख लीजिए, कार्ड भी ऐसा ही आया है. और फिर नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे ट्रेजर कार्ड, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये. जिस घर में आप जा रहे हो फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा रहेगा इस घर में. लेकिन आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है और वो ये है कि जब भी आपका जो ये घर है यहाँ पे अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है या कुछ प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है तो उससे आपको घबराना नहीं है. क्योंकि देखिए ट्रेजर कार्ड यहाँ पर है, फाइनेंशियल गेन यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है. तो हो सकता है जब ये फाइनेंशियल गेन हो उसके बाद आप थोड़े से इम्बैलेंस होने लगो अपनी पर्सनल लाइफ में. क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि आप नए घर में भी आ गए हो, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हो रहे हैं, तो कभी कभी इंसान जो होता है वो ओवर एक्साइटमेंट में आकर के अपने खर्चे बढ़ा देता है, अपने कोई और एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता है या ध्यान नहीं देता कि वो उसके एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जिस पे आप ध्यान नहीं देंगे. और फिर जब वो चीज ज्यादा हो जाएगी फिर आपको रियलाइज होगा कि ओहो हमें तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था. ये कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि आप जब नए घर में गए तो आपके पास पैसा भी है, आपको फाइनेंशियल गेन होने लगा और आपने बहुत सारा पैसा जो था वो अननेसेसरली अपने घर की सजावट में इन्वेस्ट कर दिया. मतलब हमें ये क्रॉकरी भी चाहिए, हमें फर्नीचर भी चाहिए और धीरे धीरे आपने उस घर को भी पूरा भर दिया सामान से. तो जो आपके पुराने घर में सिचुएशन थी सामान बहुत ज्यादा था, उस वजह से आपके जो नया घर है अब उसमें भी आपने वही चीज कर दी और आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब इतना सामान आपने खरीद लिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया अननेसेसरी, तो सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर हो गई. अब आपका जो कारण है पुराना घर छोड़ने का, हो सकता है वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपने छोड़ा हो. लेकिन अब आप ये देखिए कि आप नए घर में आए हो, वहां पे भी आप सेम क्लटर इकट्ठा करोगे. मतलब आप जबरदस्ती का फर्नीचर खरीदोगे. इतना सारा घर में जो होता है ना, एक वास्तु की पॉजिटिविटी को मूव होना बहुत जरूरी है. एक हवा का जो फ्लो है वो घर के अंदर बहुत जरूरी है. जैसे बेड के नीचे अननेसेसरी सामान नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए, तभी आपके घर में नेगेटिविटी नहीं रहती है. तो लेकिन आप, मुझे लगता है सिचुएशन ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. नया घर आपके लिए काफी लकी रहेगा लेकिन आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखना है, यही आपके लिए है. बाकी मैं देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है जिसने कॉइन सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड. यूनिवर्स प्लीज टेल मी, गिव मी द मैसेज फॉर ऑल दोस हु सिलेक्टेड द कॉइन. व्हाट इज द मैसेज फॉर देम? हाउ शुड दे स्टे इन द न्यू हाउस? अपने नए घर में किन चीजों का ध्यान रखना है प्लीज बताइए यूनिवर्स. द सन कार्ड, ठीक है. आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर के अंदर सूर्य देवता के लिए एक खास तौर से एक जगह रखनी है. कहने का मतलब ये है कि यदि आपने अपना घर इसलिए छोड़ा है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही थी आपके पुराने घर में, इस वजह से आपने वो घर छोड़ा है, तो ध्यान रखिएगा कि आप नए घर में खिड़कियों दरवाजे सब दिन में खोलें ताकि धूप यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं आपके घर में आए
और कोई नेगेटिव एनर्जी घर में ना रुक पाए, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे सन भी है, तो आपको सन की रेस को अपने घर के अंदर आने देना है, सन का वेलकम करना है आपको, ठीक है। तो इससे आपका बहुत, आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे और आपके फाइनेंसेस भी अच्छे रहेंगे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने रुद्राक्ष सिलेक्ट किया है, जानते हैं कि क्या नए घर में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट्स फाइंड इट आउट फॉर ऑल दोस हु सिलेक्टेड द रुद्राक्ष। प्लीज टेल मी विल इट बी अ गुड डिसीजन टू शिफ्ट टू द अनदर हाउस, शिफ्ट टू द न्यू हाउस। ओके, will it be a good decision to shift to a new house? Will it be a good decision to shift to the new house? Okay, let's see. आपके हस्बैंड तो नहीं चाहते कि शिफ्ट हो, मुझे नहीं लगता कि आपके हस्बैंड, हो सकता है हस्बैंड या हो सकता है वाइफ, दोनों में से कोई एक जना है जो खुश नहीं है इस डिसीजन से, क्योंकि वो शायद अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता था। हो सकता है आपका हस्बैंड, अगर मैं स्पेसिफिक होकर बताऊं तो आपके, आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपने डिसीजन लिया कि हम कहीं और रहेंगे जाके, लेकिन आपके हस्बैंड इस डिसीजन से खुश नहीं है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते थे, अपनी मदर के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो ऐसे कार्ड्स में दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या कि आप नए घर की तरफ चल पड़ेंगे और एक एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जैसा आप चाहती थी फाइनली वैसा ही हो रहा है। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है, व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो यूनिवर्स इज सेइंग कि दैट देयर इज अ फूल्स एनर्जी, मतलब ये कि आपको सडन डिसीजन नहीं लेना है। हो सकता है जैसे आप नए घर में जाओ, वहां जाने के बाद अचानक से आप कोई डिसीजन लेने लगो, थोड़ा सा रिलैक्स करिए क्योंकि आप नए घर में गए हो, वहां की एनर्जी को समझिए, वहां कैसी किस तरीके की एनर्जी है, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसा आप वहां पे महसूस कर रहे हैं, चीजों को समझने के बाद ही आगे के डिसीजन लेना। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप डिसीजन मेकिंग में जल्दी नहीं करें नए घर में जब आप जाएं। तो नए घर में डेफिनेटली आप जा रहे हो, बहुत अच्छा विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, इसका मतलब है कि आपकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी होगी। नए घर में जाना चाहते हैं, वहां जाएंगे और सक्सेसफुल भी रहेंगे। बस ध्यान रखना है आपको कि आपको कोई भी डिसीजन अचानक से नहीं लेना है और कोशिश करनी है उस डिसीजन को पहले उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को समझना, उसके बेनिफिट्स को समझना, और जब सब कुछ समझ जाए उसके बाद ही वो डिसीजन लेना है आपको। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। और एक और चीज है कि आपको अगर पर्सनल रीडिंग मेरे से करवानी है, आपको कुछ जानना है अपने घर के बारे में, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होती है घर में, या फिर आप देखना चाहते हैं कि आपके लिए नया घर शुभ रहेगा या नहीं, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9899 000366 पे। और इसके अलावा भी आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर दूंगी टैरो कार्ड के माध्यम से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर, बाय नाउ।